कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद बेबस रोडवेज विभाग को पुलिस विभाग की मदद लेनी पड़ रही है। 15 पुलिस कर्मियों ने बसों के स्टेयरिंग संभाले और उन रूटों पर भेजा गया जहां पर स्टूडेंट्स व नौकरी पेशा लोगों को दिक्कत आ रही थी। कैथल के महाप्रबंधक राम कुमार ने बताया कि 15 लोकल रूटों को सुचारू करने के लिए पुलिस कर्मियों को बस चलाने के लिए लगाया गया है और हमारे ही अन्य स्टाफ को बसों में किराया वसूलने के लिए भी भेजा है। अन्य रूटों पर भी सुचारू रूप से बसें चलाने के लिए प्रशासन से अनुरोध किया गया है, जिसमें 30 बस प्राइवेट स्कूलों से मंगवाई गई है ताकि सवारियों को परिवहन व्यवस्था का लाभ मिल सके। कितने कर्मचारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट से? 15 चालकों का स्टाफ आया है। तो कौन कौन से रूट हैं जो सुचारू किए गए? असंद रूट और जींदवाड़ा के ठाणा तक, चीका रूट, पुंडरी निसिंग, कुरुक्षेत्र और पेवा और संगतपुरा। अब इन लोकल मार्गों पर गाड़ी चलाई गई है ताकि लोकल जनता को, विद्यार्थियों को, उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो क्या और भी मांग की गई है ड्राइवर? हाँ, और भी मांग की गई है। चलाने के बाद में 30 ड्राइवर और आ रहे हैं, 30 गाड़ियों समेत आ रहे हैं, उनको भी जरूरत के अनुसार मार्गों पर भेजा जाएगा। 30 गाड़ियों समेत कौन आ रहे हैं? ये स्कूलों की गाड़ियाँ हायर की हैं जिला प्रशासन ने, वो गाड़ियाँ आ रही हैं, मांग के अनुसार तुरंत गाड़ियाँ उपलब्ध हो जाएंगी, वो भी मार्गों पर ही भेजी जाएंगी। तो गाड़ियाँ स्कूल की होंगी? वो स्कूल की या जैसी भी प्राइवेट गाड़ियां हैं वो जिला प्रशासन भेजेगा और उन्होंने 30 गाड़ियों के लिए कह दिया है, वो जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगी। तो सर कंडक्टर की व्यवस्था कैसे की? कंडक्टर हमारे ड्यूटी पे हैं, लगभग चालक स्टाफ के न आने की वजह से आज बसें खड़ी हुई हैं क्योंकि चालक हमारे पास एक भी नहीं था। कुछ सुनने में आया कि कुछ टिकटें भी नहीं कट रही है, ऐसे ही किराया ऐसा ले रहे हैं, वो सरकारी खजाना में जमा करवा रहे हैं, उनकी कटी रसीद कट रही है, जमा करवा रहे हैं। हाँ, मौके की टिकट देने वाला ब्रांच और वो भी नहीं चल रही, कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसलिए मौके पर हमारा इंस्पेक्टर स्टाफ भी भेजा है, इंस्पेक्टर भी गए हैं।